हे नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ पांच ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन्स जो आप परचेज कर सकते हैं 15,000 रुपए के प्राइस के अंदर। और सभी के सभी स्मार्टफोन जो है आपको काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, चाहे फिर हो या फिर बैटरी में हो या फिर प्रोसेसर में, तो काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं सभी के सभी स्मार्टफोन्स में। अगर आपको भी जानना है कौन से स्मार्टफोन्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर लिस्ट में जो पांचवें नंबर पे स्मार्टफोन आ जाता है वो यहाँ पर वीवो Z1X काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराता है। अगर बात कर ले स्मार्टफोन की तो आपको जो इसमें 4GB 128GB वाला जो वेरिएंट है वो 15,000 रुपए के आसपास जो है देखने को मिल जाता है। तो आपको इंटरनल स्टोरेज काफी अच्छी देखने को मिल जाती है यहाँ पर, जो कि 128GB की। अगर बात कर ले डिस्प्ले की तो डिस्प्ले भी काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है, जो यहाँ पर 6.38 इंच का जो यहाँ पर फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको जो यहाँ पर ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का। अगर बात करें फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट कैमरा जो आपको 32 मेगापिक्सल का जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर बात करें बैटरी की तो बैटरी आपको 4500 mAh की लिथियम आयन बैटरी इसमें देखने को मिल जाएगी। और आपको प्रोसेसर इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 712 का जो यहाँ पर प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा। और आपको जो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग भी जो ये वाला स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, जो यहाँ पर 22.5 watts का जो पर वीवो का फ्लैश चार्ज जो ये वाला स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। और साथ साथ जो है इसमें और एक फीचर आपको देखने को मिलता है, जो है यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का। और साथ साथ जो है इसमें आपको टर्बो मोड देखने को मिल जाएगा गेमिंग के लिए। तो स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करता है, आप इसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको सभी स्मार्टफोन के लिंक देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आ जाता है वो आपको सैमसंग की तरफ से देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M30s, जिसमें आपको 4GB 64GB वाला वेरियंट जो है 15,000 रुपये के प्राइस में देखने को मिल जाएगा। अगर बात कर ले इसके स्पेसिफिकेशंस की तो आपको जो है इसमें 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस कैपेसिटी टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको 2340x1080 पिक्सल का जो आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। और अगर कैमरास की बात करें तो आपको जो है रेयर में ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का जो आपको ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिल जाता है। और 16 मेगापिक्सल का जो आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें बैटरी की तो बैटरी आपको काफ़ी अच्छी और बड़ी बैटरी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पर 6000 mAh की जो यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाती है। और साथ साथ जो ये वाला स्मार्टफोन 15 वाट का जो यहाँ पर फास्ट चार्ज भी जो है सपोर्ट करता है, इसलिए जो आपको बॉक्स में जो है 15 वाट का टाइप सी फास्ट चार्जर भी जो है देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें प्रोसेसर की तो प्रोसेसर जो आपको सैमसंग का यहाँ पर एक प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो यहाँ पर एक्जिनॉस का 9611 का जो है ऑक्टाकोर प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और साथ साथ कुछ और फीचर भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। और बात करें तो AI गेम बूस्टर के साथ साथ जो आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 का जो आपको प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो सैमसंग की तरफ से जो है काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है, तो इसे भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आ जाता है वो यहाँ पर Realme Narzo 10, जो कि हाल ही में अभी लॉन्च हुआ था। तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है और स्पेसिफिकेशन भी जो है काफ़ी अच्छे प्रोवाइड कराता है इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर बात कर ले इसके प्राइस की तो 4GB 128GB वाला जो वेरिएंट है आपको 12,000 रुपये के प्राइस में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो है यहाँ पर 2GB मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, तो आप इंटरनल स्टोरेज जो है यहाँ पर एक्सपेंड भी कर सकते हैं 256GB तक। अगर बात करें डिस्प्ले की तो डिस्प्ले आपको 6.5 इंच का जो यहाँ पर HD प्लस डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसमें भी आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा पीछे की तरफ, जो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का, जहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का जो यहाँ पर प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा। बाकी के बस आपको जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, माइक्रो लेंस और बोके इफेक्ट के लिए जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और बात कर ले फ्रंट कैमरा की तो 16 मेगापिक्सल का जो आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की जो आपको लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो 18 वाट का फास्ट चार्ज भी जो है पर सपोर्ट करती है। अगर बात कर ले प्रोसेसर की तो प्रोसेसर आपको मीडियाटेक हीलियो G80 का जो आपको गेमिंग प्रोसेसर मिल जाएगा, तो गेमिंग वगैरह जो आपको काफ़ी स्मूथली इसमें कर पाओगे। तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, आपको 12,000 रुपये के प्राइस रेट में जो अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कराता है, तो इसे भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो यहाँ पर Redmi Note 9 Pro, काफ़ी अच्छा जो एक स्मार्टफोन है और स्पेसिफिकेशन भी जो काफ़ी अच्छे आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर प्राइस की बात कर ले तो 4GB 64GB वाला जो वेरियंट है वो आपको 12,999 रुपये के जो है प्राइस में देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं कुछ और स्पेसिफिकेशंस की तो आपको जो इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इसमें जो आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा पीछे की तरफ, जो है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का। अगर बात कर ले फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा जो आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। और बैटरी जो है आपको 5020 mAh की जो है पर बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 18 वाट का फास्ट चार्जिंग भी जो है पर सपोर्ट करती है। तो बॉक्स में जो आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर भी जो है देखने को मिल जाएगा। अगर प्रोसेसर की बात कर रहे तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का जो आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और इसमें जो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का जो प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा फ्रंट और बैक में,
फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर जो आपको साइड में देखने को मिलता है, जहाँ पर आपके वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का जो बटन होता है, वहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला स्मार्टफोन भी काफ़ी अच्छा है, कुछ नए फीचर्स के साथ भी आपको ये स्मार्टफोन आता है, तो इसे भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है वो यहाँ पर Realme 6 काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन आपको यह प्रोवाइड कराता है। अगर प्राइस की बात करें तो 4GB 64GB वाला वेरिएंट जो है आपको यहाँ पर 13,999 रुपये के प्राइस रेट में देखने को मिल जाएगा। अगर बात कर ले कुछ और स्पेसिफिकेशन की तो आपको यहाँ पर 6.5 इंच का जो है पर फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और इसमें भी जो आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा जो है यहाँ पर 64 MP का प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP का। तो 64 MP का जो आपको यहाँ पर प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, और बाकी के बस यहाँ पर सपोर्टिंग कैमरा देखने को मिल जाते हैं, वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल, नाइट मोड हो गया, बोके इफेक्ट हो गया, इस तरह के आपको जो सपोर्टिंग कैमरा देखने को मिल जाते हैं। तो कैमरा काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है 14,000 रुपये के प्राइस रेट के अंदर जो है आपको यहाँ पर 64 MP का जो है पर कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 MP का जो आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि एक इन डिस्प्ले कैमरा है। अगर बात करें बैटरी की तो 4300 mAh की जो यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पर 30W का जो यहाँ पर फ्लैश चार्ज भी जो यहाँ पर सपोर्ट करती है। अगर बात कर ले प्रोसेसर की तो प्रोसेसर जो है आपको MediaTek Helio G90T का जो आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 90W का जो यहाँ पर 90Hz का जो यहाँ पर अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले भी जो आपको देखने को मिल जाएगा। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें देखने को मिलता है, जहाँ पर आपके वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन होता है, वहाँ पर जो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के कुछ नए फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। प्राइस आपको सिर्फ 14,000 देखने को मिलता है, तो 14,000 रुपये के अंदर आपको काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, 64 MP कैमरा भी देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराता है Realme 6 14,000 रुपये के प्राइस रेट के अंदर। तो इसे भी एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।